ये है कुछ हमारे यहाँ का फनी रावण, ये देख लो, फिर भी बढ़िया लग रहा है। बनाने वाले ये हैं अंकल जी। ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार कि ये वीडियो बिल्कुल छोटी सी होने वाली है एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसी मैं बना के आया उसी टाइम आपके पास एडिट होके आ जाएगी ये वीडियो। तो अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? खूब से सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो यार, जैसे कि आप लोगों को पता, मैं रोहतक में हूँ एंड आज है दशहरा और अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। जितने भी रोहतक में रावण लगे हैं उनको कवर करने एक बार फटाफट दिखाता हूँ आपको। आइडिया के मैंने दिखा दिया, लेकिन उसके पैर रह गए थे, लेकिन अब आसपास की लंका भी बन गई होगी तो वो भी दिखाने चलता हूँ। और जहाँ पे रामलीला होती है, मैंने आपको रामलीला दिखाई थी, वो भी दिखा के आता हूँ वहाँ का रावण। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले अपनी गली का दिखाता हूँ, थोड़ा फनी सा है वो देखो आप। अरे भाई, ये वाला रावण देखो, ये हमारी गली का, ये स्ट्रीट का रावण है। ये हमारे अंकल जी ने बनाया, वो भी है नहीं। तो ये है वो रावण एंड एक बार चेक करो, बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं करा। अब इसके अंदर थोड़े बहुत बम लगा देंगे और वो जो इसके जलाने वाली वीडियो होगी वो सारा दशहरे वाले पार्ट में आएगा, वो अलग से बनाऊंगा। अभी चल रहा हूँ दूसरी जगह। ये थोड़ा फनी सा है, नीचे इसके शूज़ हैं एंड फेस इसका ड्राइंग करके बना रखे, बस यही सब है इसका। तो और मुकुट भी खुद ही बना रखा यार। अभी अपने जो यहाँ पर रामलीला होती है उसकी दिखाने आया हूँ एक बार मैं। ये वहाँ का रावण है, चेक करो एक बारी, पिंक कलर का फेस बना रखा है एंड ये बम की माला देखो यार, कितनी ज़्यादा रस्सी बम लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वाले। तो ये है सेकंड लोकेशन का, यार पीछे से भी दिखा देता हूँ इसका मैं, देखो एक बारी। ज़्यादा नहीं है ये, मुश्किल से 40-1 फुट का होगा, ज़्यादा तो नहीं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो अभी दूसरी लोकेशन पे जाऊँगा, वहाँ का दिखाता हूँ, और जो दशहरे का होगा वो सारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। अभी खाली रावण कवर कर रहा हूँ मैं। देखो यार, नीचे एक यूनिक चीज़ भी कर रखी है, छोटे छोटे रावण बना रखे हैं, ये देखो नीचे बिल्कुल छोटे छोटे से रावण यहाँ पे खड़े कर रखे हैं एंड ऊपर वही जैसे हमने गली में बनाया वैसे ही कुछ है। तो अभी चल रहा हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे। तो यार अभी सेकंड लोकेशन पे आ चुका हूँ, पटेल नगर के। यहाँ पे भी रामलीला होती है, यहाँ पे भी है, जो हमारे उधर गांधीनगर का है वो भी सेम है बिल्कुल, रावण फेस से, बाकी नीचे का थोड़ा अलग है। और ये इधर का हो गया पटेल नगर का रावण सेकेंड लोकेशन, हाइट बिल्कुल सेम है दोनों की, एक बार चेक कर लो ये भी। फिर थर्ड लोकेशन पे लेके जाऊंगा, अभी इस टाइम पूजा हो रही है, बाकी सारा जो ये जलेंगे वो उनका अलग ब्लॉग आएगा, एक बार चेक कर लो। इसके अंदर सारे हैं, उसके बाहर माला में थे और यहाँ पे देखो बॉम वगैरह। तो अभी चल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, आईटीआई। यार अभी हम दोनों आ चुके हैं आईटीआई में एंड यहाँ पे मेला वगैरह भी लगा हुआ है, ये चेक कर लो। अभी मैं मेनली रावण दिखाने आया हूँ, वो लगे हुए आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन अब नीचे उस दिन पैर वगैरह नहीं थे, अब सब कुछ लग चुका है, पर वो फाइनल दिखाने जा रहा हूँ और क्या चेंज हुआ है वो भी आप देख लेना। भीड़ बहुत ज़्यादा है इसी टाइम ही, अभी इसलिए मैं पहले आ गया दिखाने, ताकि बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। तो अभी आप देख लेना ध्यान से, बाद में फिर जब जलेंगे तो फिर आऊँगा, पूरे कवर करते आऊँगा सारे, फर्स्ट से लेकर यहाँ तक, फिर उसके यहीं तक ही आ पाऊँगा, उसके आगे नहीं जा पाऊँगा। यार ये देख लो एक बार, पास से दिखा रहा हूँ मैं। यार लास्ट ईयर तक यहाँ पे लंका भी बनाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और नीचे फुट वगैरह लगा दिए, देख लो आप जैसे कि आप देख रहे हो। और ये रहा रावण, ये कुंभकर्ण है, बाकी ये मैंने पूरा कवर कर दिया था और क्या कुछ चेंज हुआ वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाला रावण है, भीड़ देखो यार अभी से बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे राम जी और बैठेंगे। देखो ये रावण है यार, और इसके यहाँ पे चकली लगा रखी है और ये सारे अनार हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक वाले हैं, अगर वायर दिख रही हो तो वहाँ पे सारी वायर लगी हुई है, ये देखो ये सारे इलेक्ट्रिक हैं, ग्रीन वायर, मतलब इसमें पोल्यूशन नहीं है इस बार यहाँ पे, ये खास है।
एंड ये सब आपको दिखा दिया था मैंने, और ये देख लो नीचे अभी पूजा हो रही है, सारे आ रहे हैं। एंड ये मेघनाथ है, बाकी ये है यहाँ पे सबसे बड़ी रामलीला होती है, वो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था और उसको आपको आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया उस वीडियो को। एंड ये देख लो एक बारी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा नेक्स्ट लोकेशन पे, एक बार अच्छे से देख लो। एक चीज़ और यार, इसकी आईज में से बल्ब भी लगे हुए हैं अगर दिख रहे हैं तो, पिंक कलर के। थोड़ा और जूम करता हूँ मैं, जब नाइट होगी तो यहाँ पे जलेंगे ये सब, तो उसका भी नज़ारा होगा यार। उस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, मैं पता नहीं दिखा पाऊँगा प्रॉपरली या नहीं, तो देखते हैं। अभी अभी चलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, चले नेक्स्ट लोकेशन पे चलो। तो अभी दोनों जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, अगली देखते हैं कौन सी लोकेशन दिखाएंगे। तो यार अभी लास्ट लोकेशन पे आया हूँ मैं, एंड यहाँ पे भीड़ देखो यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अभी अंदर लेके जाता हूँ सीधा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो ध्यान से भी जाना पड़ेगा, फोन वगैरह ध्यान से रखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ, टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। तो यार एक बार भीड़ चेक करो यार, ये थोड़ा शहर के आउटर पे पड़ जाता है, सिटी के आउटर पे है ये, तो भीड़ देखो यार यहाँ पे एक बार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। आप लोगों के लिए आया हूँ तो वीडियो को यार थोड़ा प्यार देना, लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो जा रहा हूँ अभी फटाफट दिखाने। तो यार यहाँ पे भी आ चुका हूँ मैं, एंड यहाँ के रावण चेक कर लो एक बारी, तीन रावण हो गए बिल्कुल साथ में ही। एंड एक बार चेक करो सामने से, फ्रंट से दिखा रहा हूँ, तो सेंटर वाला रावण है, उसके सीन बना रखे हैं बस। हाइट लगभग सेम ही है जितने भी सारे रावण आपको दिखाए हैं, चारों के चारों, हर जगह के अलग अलग, बस ये देख लो। एंड इस साइड पे रामलीला चल रही है, तो मैं यही दिखाने आया हूँ मेनली, और ये लास्ट रावण था। तो एक बार सही से चेक कर लो, फिर उसके बाद वापस जाऊँगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा दशहरे वाली, जिसमें सारे जलेंगे। तो यार ये लास्ट लोकेशन थी, इसके बाद अब दशहरे वाली वीडियो आएगी। तो अब चलते हैं वापस से फर्स्ट लोकेशन पे, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।